हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। मैं ओमम रेगोन आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। नलुम काने तंदर रंगाम दोलुम नलुम मोक चैनल हम लोग पर कुमर सुदु सिलो ओ दुंग ओकुमसी सिलो एक तारीख दिसंबर 2023 इंडिजीनियस पेड डे। इंडिजीनियस पेड डे होलो हो अतिकोते मुबम सुनम आगे को ये एमला कामा इला वो सिलो वो को उकुमलो आगे को उकुमलो दुंगेला वो उनको उनको आगे रम दे इडू ने दम नलम अपडेट पाए कापे इला अम्मु पदुता इलिंग हम आधा आगे को स्टार्ट नाम दे कोम आई डू अम्ला वो मुदुंग दे ओके मुना में आज का दिन 1 तारीख दिसंबर तो इंडिजीनियस पे डे है। एक्चुअली ये इंडिजीनियस डे को मैं बहुत अच्छा पाती हूँ क्योंकि इसमें हम लोग का ओरिजिनलिटी, हम लोग जहाँ से निकले हैं और हम लोग का पूर्वजन जो और हम लोग का अपना वेशभूषा, अपना भाषा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और वोकल फॉर लोकल भी इसमें आते हैं। अपना जितना भी वेशभूषा, ट्रेडिशन और कल्चर और विश्वास को इसमें बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है। धन्य है वो फिलोसोफर थिंकर जो वोकल फॉर लोकल और इंडिजिनियस पेड डे को बहुत ही सोच समझ के हम लोग का अरुणाचल में समर्थन दिया है। सही मायने में हम लोग जितना भी मॉडर्न समय होने से भी 21st सेंचुरी मॉडर्न कंप्यूटर युग होने से भी हम लोग अपना गरीबान को कभी नहीं भूलना है। जैसे हम लोग नेचर को फॉलो करते हैं, ये नेचर कितना अच्छा है। और बैक टू द वेदास, पहले का गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन जो कितना बढ़िया एजुकेशन था, मेरे हिसाब से नेचुरली उन लोग को पढ़ाया जाता था। उसमें सत्य का जीत होता था। और अभी कलयुग में तो बहुत सारा जान गया लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है, सब पैसा का पीछे पड़ा हुआ है। सीनियर जूनियर से प्यार नहीं है और जूनियर सीनियर से रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कलयुग का स्थिति हो गया है। इसी मॉडर्न पीरियड में वोकल फॉर लोकल और इंडिजीनियस फेथ डे वापस इसको समर्थन देके वो थिंकर फिलोसोफर वो और फिलोसोफर जो सही मायने में इसको बहुत सोच समझ के वापस लाया है, उसको मैं मेरे चैनल के जरिए धन्य है और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सही मायने में हम लोग मॉडर्न समय का साथ साथ कंप्यूटर पीरियड का साथ साथ में हम लोग का ट्रेडिशनल, हम लोग पूर्वजन जो मान के आया था उसको भी रेस्पेक्ट करना, वहाँ से तुलना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस समय का दिन जो बहुत नेचुरल था और सत्यवादी था। इसलिए जो गुजर चुके हैं पूर्वजन और वो लोग का जो सोच समझ, वो लोग का तरक्की, वो लोग का सोच विचार को भी हम लोग का ये मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न एज में भी इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एज पर माई व्यू, अभी का जो छोटा बच्चा है वो लोग को पुराना जमाना का कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। उसको काल्पनिक शक्ति बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी जो जीने का क्षमता रखते हैं तो हर किसी को जियो और जीने दो। लीव एंड लेट्स लीव, हर किसी को हर कार्य को शिद्दत से करने का आज्ञा देना बहुत ज़रूरी है। आज का इंडिजीनियस पेड डे में मैंने अपना घर में क्या क्या पकवान पकाया है उसको आप सभी को मैं दिखाने के लिए पसंद करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या काम किया इंडिजीनियस पेड डे होलीडे में। तो आप लोग बने रहिए और मुझे प्यार दीजिए और कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पोटैटो फ्राई, अब टाइम है पोटैटो फ्राई की। सब बात में टोमेटो के साथ में किस करी बनाऊंगी। अबाउट टू कुक मा नोकने बुदे नोक बिलमान नोकाय मगो बिलमान नोकने बुदे नोक बिलमान
नक्ताया मगो बिछुल कदिल मंग अंदा को हो मकले रखियो हो कलो हो तोरी खुंदा सो हो ओ लोका डाट सो हो ओके आयांगे आयना नोके करानो डर लगता है ये मछली तातो लेके आया देखो इतना सिर पर मछली इसको अभी हमें साफ करके फ्राई करेगा हम लोग ना हुआ ये देखिए इतना फ्रेश फ्रेश से लोकल मछली केजी में 300 रुपया है कमर कमर पे गहरा पानी बोल मेरी मछली कितना पानी अभी मैं ये मछली को टोमेटो का साथ में और टोमेटो सूप बनाऊंगी आप लोग बने रहिए ये हो गया तेल गरम अभी मैं मछली को हाफ फ्राई करूंगी हाफ फ्राई करने के बाद में ये टोमेटो को गुरी गुरी काट के इसको पूरा पकने दूंगी उसका बाद में फिर से मैं ये मछली को डालूंगी हाफ फ्राई करूंगी ये हाफ फ्राई हो गया और इसको भी हाफ फ्राई करना है अभी प्याज डाल दिया मैंने इसमें इसको अभी टोमेटो को डालूंगी टोमेटो सूप ये अभी मैं टोमेटो का साथ में पीस करी बना दिया है तो इसको ये मेरा घर परिवार के लिए ये तैयार हो गया टोमेटो करी विथ पीस इसमें लास्टली मैं अभी कोरिएंडर डालना बाकी है तो मैं अभी बागान से कोरिएंडर लेने जाऊंगी और फिर से लिप्स को इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर लिप्स को यहाँ में डाल दूंगी हो गया रेडी हो गया कोरिएंडर डाल दिया मैंने अभी पीस करी विथ टोमेटो सूप बन गया आँख में हरियर साग पटोइंग बना लिया आधा मछली को मैंने आग में स्टीम किया स्टीम मछली का फ्लेवर्स अलग होते हैं उसका टेस्ट अलग होते हैं तो मुझे बहुत पसंद है और ये ना स्टीम भी होते हैं 3 डेज चलते हैं सुखा दिया तीन भाग डिवाइड किया है मछली को मैंने एक स्टीम किया एक टोमेटो साथ टोमेटो का साथ में सूप बनाया और आधा को आग का ऊपर में ड्राई कर दिया सिर पर मछली चिकन अभी हम चिकन का साथ में सब्जी बनाएंगे आप लोग बने रहिए मैं सब्जी कैसे तैयार करूंगी देखते रहिए ट्रेडिशनली ये आग में मैं पकाऊंगी आज का सब्जी को या मैं प्याज कट रहा है हम लोग का तरुण भैया
ये मेरा बेटा का घर डाल दिया है, ओनियन डाल दिया, इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। ओ गौर में ओ राजा भैया कौन सी है ना आज का दिसंबर 1 इंडिजिनियस स्पेस डे में हम लोग ये बना के खा रहे हैं। हम लोग का परिवार इंडिजिनियस स्पेस डे दोनों को डे में चिकन लेके आया मेरा पति। तो इसको अभी हम लोग का साथ में तो आप लोग बने रहिए। हाँ 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 लिकेट्स मसाला डाल दिया मैंने। ये अच्छा है केट्स मसाला, मीट मसाला। अभी मैं इसको हिलाऊंगी। हल्दी और नमक भी डाल दिया साथ में। हल्दी और नमक डाल दिया। इंडिजिनियस स्पेस डे में हम लोग आज ये चिकन बना के खाएंगे हम लोग अपना घर में। मम्मी ओ मीट मसाला डाल दिए थोड़ा सा। और इसको थोड़ा सा 20 मिनट के लिए पकने देंगे। सफ़ेद कुमुरा का साथ में असितपा हम लोग का लोकल लैंग्वेज में उसका साथ में मिक्स करूँगी और टोमेटो का साथ में और पोटैटो। 1 दिसंबर 2023 इंडिजिनियस स्पेस डे का सेहत ये सब्जी हम सभी परिवार वाह कलर बहुत सुंदर आ रहा है ना अभी। 20 मिनट हो गया तेल निकल आ गया बाहर। 20 मिनट हो गया तेल बाहर आ गया अभी। अभी मैं इसका साथ में क्या मिक्स करूँगी आप लोग बने रहिए। मैं इसका साथ में अभी पोटैटो डालूँगी। पोटैटो पोटैटो लगी माँ पोटैटो को थोड़ा सा पकने दूंगी उसका क्योंकि रंगा दान है। उसके बाद लास्ट में टोमेटो डालूंगी इसके साथ। इसको थोड़ा सा मैं ढक्कन बंद आफ्टर 10 मिनट्स में इस सब्जी को सफेद कुमरा का साथ में मिक्स कर दूंगी। आप लोग बने रहिए। बंद करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए। फिर ये आलू पक मम्मी ओ बोले फोटो आपके देखिएगा। हाँ होगा देगा रुकन पकने दो ना थोड़ा पकने दो पहले। ये पॉपकॉर्न है आलू पकने ही वाला है। अच्छा आलू पकने का बात में फिर अस्तपा अस्तपा डालूंगी। आलू हो गया अभी इसको मैं सफेद कुमरा को आलू का साथ में और चिकन का साथ में मिक्स कर देती हूँ। हम लोग का घर में बहुत ज़्यादा आदमी है इसीलिए रंगलाव का डाल के मिक्सर करने से बहुत टेस्टी होता है।
ये पानी बन जाएगा, ये ग्रेवी बन जाएगा। और रंगना हो जाओ, ओ कुमुरा, ये वाइट कुमुरा, वाइट कुमुरा एक, सॉरी ये आलू का साथ में मैं वाइट कुमुरा विथ चिकन, हम लोग एक तारीख इंडिजिनियस फेथ डे में इसको बना के हम लोग परिवार को मैं खिलाऊंगी, अपना छोटा सा परिवार को। अभी इसको बंद करके रख देते हैं। रंगलाव और पोटेटो विथ चिकन को मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि जलने का संभावना होता है थोड़ा पानी नहीं डालने से, तो इसको मैं अबाउट 20 मिनट तक उबालने दूंगी। जब ये पकेगा तब मैं इसका साथ में फिर से कोरिएंडर और टोमेटो ऐड करूंगी। अभी बहुत बढ़िया से आग जल रहा है, उसको ठीक से उबालने दूंगी मैं। अभी आपका नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर से जल रहा है, और ऊपर में मैंने ये मछली सुखा के रखा है, ये आधा हो गया और ये आधा आज का लेने वाला है, तो इसको आग तो ज़्यादा ही हो गया। पकने दूंगी अभी, अभी 20 मिनट तक उबालने दूंगी इसको मैं, पूरा मिक्स होने दूंगी आलू और परोटा पको, आलू और वाइट तपा, वाइट कुमुरा, आलू और वाइट कुमुरा विद चिकन। और रुको ना, ये अभी पक गया आलू और कुमुरा पक गया, अभी मैं इसको ऊपर में टोमेटो डालूंगी। टोमेटो पकने से इसका साथ में मैं लास्टली कोरिएंडर डालूंगी, कोरिएंडर विथ तेजपत्ता। तो धीरे धीरे मेरा आज का सब्जी पकने वाला है, आप लोग बने रहिए। अभी मैं मिर्चा डाल दूंगी इसमें, ये पक चुका है, सब्जी रेडी हो गया। अभी मैं इसमें लास्टली धनिया डालना बाकी है, अभी धनिया में डालूंगी, धनिया धुला लेते हैं। पक गया, अभी लास्टली धनिया बाकी है। पक गया अभी उंगा खाना खाएगा, अभी खाना नहीं खाएगा। मम्मी अभी क्या खाएगा? आजीन खाएगा, होगा सिर्फ आजीन खाएगा, होगा। धनिया डाल दिया, कोरिएंडर रेडी, माय सब्जी इज रेडी, करी चिकन रंगलाव एंड पोटैटो रेडी। अभी इसको मैं नमा देती हूँ। सरपार मछली, थोड़ा सा मछली को 5-6 मेरा आटो के लिए, मेरा ससुर बुरा के लिए ये बना दिया बेम्बू सूट का साथ में। ये बेम्बू सूट का साथ में थोड़ा सा, ये देखिए बेम्बू सूट का साथ में ये
बना दिया क्योंकि मेरा ससुर बुरा इसको बहुत पसंद है, इसीलिए उसको थोड़ा सा बेम्बू सूट का साथ में, हम लोग टोमेटो का साथ में खाएंगे और वो बेम्बू सूट का साथ में खाएंगे। टेक केयर। लास्टली ये लोकल चिकन बॉयल बेम्बू सूट तोरा सदलाए और मरसा और रुकजी ऐसा मिक्स करके गोल मिर्च का साथ में बॉईल किया है सूप पीने के लिए सर्दी का वजह से, तो आप लोग देख सकते हैं। पक गया, लास्टली मैं टेस्ट करूंगी सब्जी का टेस्ट कैसा रहा, तो उसका बाद में परिवार को मेरा सबसे पहले मेरे बेटा को दूंगी, साफ करूंगी और सास ससुर को, वो लोग कैसा टेस्ट होगा मालूम नहीं, मैं पहले टेस्ट करके देख लेती हूँ अभी। बढ़िया टेस्ट है, बहुत गर्म है, शायद पसंद आएंगे। कोई पसंद आए ना ना आए, मेरा और बेटी और बेटा को ये बहुत पसंद आएंगे मुझे मालूम है। अभी दाल पका रही हूँ मैं, दाल का आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे आप लोग भी। दाल को मैं टोमेटो का साथ में फ्राई करूँगी, दो मेहमान भी आया है घर में, मेरे हस्बैंड का क्रिकेटर दोस्त, उसको भी खिलाऊंगी इसे। For me, this is best. अच्छा लगा मुझे अपना बनाने वाला सब्जी खा के। चार बार हो गया बचने वाला, पांच बार बचने देगा। वेरी नाइस। तो नया साल में आप लोग भी ऐसे बना के खाइए, मैं सजेस्ट कर रही हूँ। तो आज के लिए यही पर मेरा वीडियो को समाप्त करती हूँ। ओ, ओ, ओ चाहिए होगा, देगा होगा ना। हाँ देगा देगा जी। हाँ बाय बाय आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। हाँ।